ऐसा कहकर आराधना जी ने प्यार से सिद्धार्थ के सर पर हाथ फेरा और छत से नीचे जाने लगे। अब वहां सिर्फ समीर, जानवी और सिद्धार्थ ही बचे थे। तभी सिद्धार्थ ने कहा, जानवी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सिद्धार्थ की बात सुनकर जानवी समीर को देखने लगी और समीर ने कहा, कैसा सरप्राइज सर? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, तुम्हारे लिए नहीं है, जानवी के लिए है। सिद्धार्थ की बात सुनकर समीर चुप हो गया और सिद्धार्थ जानवी का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाने लगा। समीर बस उन दोनों को जाते देख रहा था। उसने खुद से ही कहा, आज जानवी को कोई नहीं बचा सकता। उधर सिद्धार्थ जानवी को लेकर अपने रूम के बाहर खड़ा था। उसने अपनी पॉकेट से अपना रुमाल निकाला और जानवी की आंखों पर बांध दिया। जानवी को जब एहसास हुआ कि सिद्धार्थ उसकी आंखें बंद कर रहा था तो उसने कहा, सिद्धार्थ ये आप क्या कर रहे हो? तो उसने उसे ब्लाइंड फोल्ड करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ऐसा कहकर सिद्धार्थ उसे रूम के अंदर ले गया और उससे बोला, जानवी देखो अब मैं ये हैंकी रिमूव कर रहा हूँ तो तुम धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करना। ऐसा कहकर सिद्धार्थ ने उसकी आंखें खोल दी और जानवी ने धीरे धीरे आंखें खोली तो अपने रूम को देखकर हैरान रह गई और साथ में बहुत डर गई। सिद्धार्थ ने आज उसके रूम में ही डेट प्लान किया था। पूरा बेडरूम गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। हर तरफ रेड कलर के हार्ट शेप बलून्स लगे हुए थे। हर एक कॉर्नर में कैंडल्स जल रही थी। बेड के बीचों बीच एक गुलाब की पंखुड़ियों से हार्ट बना हुआ था और एक हार्ट शेप केक रखा था। ये सब देखकर तो जानवी की आवाज निकलना ही बंद हो गई। उसने मन ही मन कहा, हे शिव ये सब क्या किया इन्होंने, अब आज क्या बहाना बनाऊंगी, आज तो शिव भी नहीं है। तभी सिद्धार्थ ने जानवी को पीछे से हग कर लिया जिससे जानवी एकदम से ठिठक गई और फिर उसने उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी रखते हुए कहा, कैसा लगा सरप्राइज? उसकी बात पर जानवी कुछ नहीं बोली। तभी सिद्धार्थ ने एकदम से जानवी को अपनी तरफ पलटा और उसके चेहरे को बड़ी हसरतों के साथ देखते हुए बोला, जानवी आज की रात मेरे लिए बहुत स्पेशल होगी। आज पूरी रात सिर्फ तुम और मैं, हमें डिस्टर्ब करने वाला आज कोई नहीं है। ऐसा कहकर सिद्धार्थ ने जानवी को और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और आगे कहा, जान आज तुम्हें पूरी रात जी भर के प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हारा प्यार पाना चाहता, तुम दोगी ना मेरा साथ? इतना कहकर सिद्धार्थ बड़ी ही उम्मीद के साथ जानवी का चेहरा देखने लगा। जानवी अभी भी उसके सीने पर अपने हाथ रखे नीचे ही देख रही थी। उसकी आंखें नम थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, कैसे दूं आपका साथ, नहीं दे सकती, आप समझ क्यों नहीं रहे, आपका साथ देकर आपके दिल को चोट नहीं दे सकती मैं। जानवी को कुछ ना बोलता पाकर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। उसने मन ही मन सोचा, कितनी मासूम है, ऐसे शर्माती है जैसे मैं पहली बार ये सब कर रहा हूँ। तभी उसने जानवी को धीरे से बेड पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। चलो केक कट करते हैं। ऐसा कहकर उसने जानवी को नाइफ दिया और बड़े सिलेक्टिव वे में उसका हाथ पकड़ लिया। इस वक्त सिद्धार्थ जानवी के पीछे था और अपने चिन को उसके कंधे पर रखे हुए था। उसका एक हाथ जानवी की कमर पर लिपटा था और दूसरे हाथ से वो केक कट कर रहा था। केक कट करने के बाद उसने एक छोटा सा पीस लिया और जानवी के होठों की तरफ बढ़ा दिया। जानवी ने नजरें झुकाए ही केक खा लिया और सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए थोड़ा केक जानवी के गाल पर लगा दिया। जानवी ने थोड़ा सा केक लिया और सिद्धार्थ को खिलाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने होठों से उसकी उंगलियों को लिक करने लगा। जानवी को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब सिद्धार्थ उसके गाल पर लगे केक को लिक करने लगा जिससे जानवी सिद्धार्थ से दूर होने लगी। वहीं विंडो पर खड़े समीर ने जब सिद्धार्थ को देखा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन में सोचा, आज सिद्धार्थ को कोई नहीं रोक पाएगा, समीर अब तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सोचते हुए समीर अपने रूम में चला गया। उधर सिद्धार्थ ने उस केक को साइड टेबल पर रख दिया और जानवी का हाथ पकड़कर उस पर किस किया। वो अपने घुटनों के बल बैठा
और जाह्नवी को देखते हुए धीरे धीरे बेड पर लिटाने लगा। जाह्नवी की आंखें बंद थी और सिद्धार्थ उसे देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने अपनी शर्ट निकालकर एक तरफ फेंक दी और जाह्नवी का दुपट्टा भी एक साइड कर दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। जाह्नवी की सांसें बहुत तेज चल रही थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सिद्धार्थ ने उसके उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली और जाह्नवी की नेक को बेतहाशा चूमने लगा और एक बाइट किया, जिससे जाह्नवी एकदम से करहा उठी। सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देखा और अपने हाथों में उसके चेहरे को भर लिया और बिना देरी किए अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। इस एहसास से जाह्नवी की आंखें एकदम से फैल गई। उसने बेडशीट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया और एक नजर सिद्धार्थ को देखा, जो आंखें बंद किए उसके लोअर लिप को हल्के हल्के अपने होठों से दबा रहा था। जाह्नवी ने अब हार मान ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू छलक गए। अब तक सिद्धार्थ भी अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। वो अब जाह्नवी के लोअर लिप को सक करने लगा और जाह्नवी की बंद आंखें बहने लगी। वो सिद्धार्थ का साथ तो नहीं दे रही थी, पर वो उसे रोक भी नहीं रही थी। सिद्धार्थ की किस अब पैशनेट हो गई। वो काफी जोर से जाह्नवी के होठों को अपने होठों से दबाते हुए सक कर रहा था। उसे जाह्नवी के सॉफ्ट फ्लफी होंठ का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। उसे तो पता ही नहीं चला कि वो पिछले 15 मिनट से जाह्नवी को किस किए जा रहा था। जाह्नवी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी, लेकिन सिद्धार्थ उसके होठों को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जाह्नवी ने आंखें फैलाते हुए सिद्धार्थ को कहना चाहा कि उसे छोड़े, लेकिन सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद किए उसके होठों का रस पीने में लगा था। जाह्नवी अब कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, पर उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह गई। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की आवाज सुनी तो धीरे से उसके होठों को छोड़ दिया। जाह्नवी लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसने अपनी नजरें झुका रखी थी। सिद्धार्थ भी उसे देखते हुए अपनी तेज सांसों को काबू कर रहा था। सिद्धार्थ की नजर अब भी जाह्नवी के होठों पर ही थी। जाह्नवी के होठ लाल होकर सूज गए थे, जिन्हें देखकर सिद्धार्थ का गला फिर से सूखने लगा। उसने जब देखा कि जाह्नवी नॉर्मल हो चुकी थी तो बिना देरी किए फिर से अपने होठ उसके होठों से जोड़ लिए। उसके हाथों की पकड़ इस बार पहले से तेज थी। वो उसके गालों को अपनी हथेलियों में थाम कर उसके होठों को ऐसे सक कर रहा था जैसे कितने दिनों का प्यासा हो। पर अब ये जाह्नवी के बर्दाश्त के बाहर था। उसने सिद्धार्थ के कंधों पर हाथ रख कर उसे दूर करना चाहा, लेकिन उसकी कोशिश बेकार रही। वो अब रोने लगी थी, क्योंकि आज वो बेहद मजबूर थी। सिद्धार्थ को जब लगा कि जाह्नवी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो वो उसके होठों को छोड़ उसके गले पर आ गया। वो उसके गले पर किस के साथ बाइट भी करने लगा। भले ही सिद्धार्थ के टच में बेहिसाब प्यार भरा हो, लेकिन जाह्नवी को आज ये जबरदस्ती लग रही थी। उसने हिम्मत करके दबी हुई आवाज में कहा, सिद्धार्थ प्लीज नहीं। लेकिन आज सिद्धार्थ को जाह्नवी की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसने एक झटके से जाह्नवी को पलटा और अपने दांतों से उसकी कुर्ती की डोरी खोली और उसकी पीठ पर किस और बाइट करने लगा। जाह्नवी तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी, पर सिद्धार्थ जो जाह्नवी में खोया हुआ था उसे पता ही नहीं चला। सिद्धार्थ प्लीज मत करिए। वो एकदम से उसके ऊपर आया। ये देखकर जाह्नवी तो अब ऐसे डर गई जैसे उसने कोई भूत देख लिया। सिद्धार्थ उसकी कुर्ती को उतार ही रहा था कि जाह्नवी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, प्लीज मत करिए ना। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा। उसने मन में कहा, जाह्नवी मुझे मना कर रही है, पर क्यों? आज तो हमारे बीच कोई नहीं है, फिर भी मुझे करीब नहीं आने दे रही। उसने गुस्से में जाह्नवी के गालों को अपने एक हाथ से जोर से दबाया और कहा, क्या छुपा रही हो मुझसे? कभी मेरे पास नहीं आती और जब मैं आता हूं तो तुम मुझे आने नहीं देती। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? गलती क्या है मेरी? सिद्धार्थ की गुस्से भरी आवाज सुनकर जाह्नवी डर गई। वो डरते हुए बेड से उठी और धीरे से सिद्धार्थ के गले लग गई।
जाह्नवी के ऐसे गले लगने से सिद्धार्थ का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। जाह्नवी ने रोते हुए सिद्धार्थ को गले लगाकर उसके कान में कहा, I'm on my periods, और आज फर्स्ट डे है, इसी वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द है। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ शांत हो गया। उसने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ जाह्नवी की कमर पर रखा और दूसरे से उसके सर को सहलाते हुए बोला, चुप, तुम्हें बताना चाहिए था ना, अगर मैं गुस्से में आगे बढ़ जाता तो। उसकी बात सुनकर जाह्नवी उससे अलग हुई और नजरें झुकाए हुए बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। ऐसा कहकर जाह्नवी बेड से उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देखा और बेड पर लेट गया। जाह्नवी भी कुछ देर में बाथरूम से आ गई और बेड के एक साइड लेट गई। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और एकदम उसके करीब आ गया। सिद्धार्थ ने अपना एक हाथ जाह्नवी के पेट पर रखा और हल्के हाथों से मसाज देने लगा। जाह्नवी ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो सिद्धार्थ ने कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं करूंगा, बस मसाज दूंगा, इससे पेन में रिलीफ मिल जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिद्धार्थ उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मसाज करने लगा। उधर समीर अपने रूम में बेड पर लेटा यही सोच रहा था कि अभी सिद्धार्थ के रूम में क्या हो रहा होगा, कहीं सिद्धार्थ जाह्नवी पर गुस्सा तो नहीं कर रहा होगा। यही सब सोचते हुए समीर की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो जाह्नवी उसके बगल में नहीं थी। वो रेडी होकर नीचे गया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी समीर भी उसके पास आकर बैठ गया और बड़े गौर से उसे देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने एरोगेंटली कहा, गुड मॉर्निंग। तभी किचन से जाह्नवी आती दिखाई दी। समीर ने भी ध्यान से जाह्नवी का फेस देखा और मन में कहा, इन दोनों को देखकर तो लगता है कि सब ठीक है, थैंक गॉड सिद्धार्थ को सच पता नहीं चला। तभी समीर ने जाह्नवी से कहा, जाह्नवी आज अमेरिका से चाचा चाची आ रहे हैं सिद्धार्थ से मिलने, और मामा और भैया भी उन्हीं के साथ आएंगे। उसकी बात पर जाह्नवी खुश हो गई। ब्रेकफास्ट के बाद समीर ऑफिस चला गया और जाह्नवी ने भी सिद्धार्थ को मेडिसिन देकर सुला दिया। जाह्नवी बाहर गार्डन में प्लांट्स को पानी दे रही थी और नए प्लांट्स लगा रही थी। तभी बाहर काफी सारी कार्स एक साथ आकर रुकी। जाह्नवी ने जैसे ही कार्स को देखा वो समझ गई कि सब लोग आ गए थे। सब कार से बाहर निकले और घर के अंदर आने लगे। सबसे पहले सीमा अंदर आई तो जाह्नवी ने उनके पैर छुए। सीमा जी ने बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और सब मेंशन के अंदर आ गए। जाह्नवी भी सिद्धार्थ को हॉल में ले आई थी। सिद्धार्थ नीचे हॉल में बैठा सबको देख रहा था। उसे इनमें से किसी की भी शक्ल याद नहीं थी, पर उसे सबके साथ एक अपनापन लग रहा था। तभी जाह्नवी ने सीमा से कहा, चाची जी आयुषी और आशु नहीं आए? तो सीमा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा उनके एग्जाम्स है इसलिए हम आ गए। सबने ऐसे ही कुछ देर बात की और फिर सिद्धार्थ को भी रेस्ट करने के लिए जाह्नवी रूम में ले गई। शाम के वक्त जाह्नवी टेरेस पर बैठी चाय पी रही थी। उसका रोज का काम हो गया था टेरेस पर आकर समीर से बातें करना। तभी समीर भी अपनी नाइट वेयर में टेरेस पर आया और उससे बोला, तो मिसेस भारद्वाज का आज क्या पीने का मूड है? उसकी बात पर जाह्नवी ने पीछे मुड़कर देखा तो समीर मुस्कुराते हुए उसके पास ही आ रहा था। उसे देख वो बोली, अरे समीर तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या सिद्धार्थ को है जाह्नवी की फिक्र? आखिर जाह्नवी सिद्धार्थ से कब तक बच पाएगी?